हमारे पास नेल्स की केस स्टडी 1 हमने कर ली थी, अब नेल्स की केस स्टडी 2 है। केस स्टडी 1 का एंड कैसे हुआ था अगर आपको थोड़ा याद हो तो, केस स्टडी 1 में ठीक है उसने एंड पर आकर उसने एज अ एंटरप्रेन्योर उसने कुछ आइस के स्कल्पर्स वगैरह जो है कुछ आइस आर्ट्स उसने रखे थे, लेकिन बारिश की वजह से जो है वो सब कुछ ज़ाया हो गया था। तो उसके बाद से वो ये सोच रहा था कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ठीक है। और मीन वहाँ पर एंड पर एक बड़ा अच्छा आइडिया आया था जिसमें उसने कहा कि अगर कोई चीज़ नेचुरल है तो हम उसको रोक नहीं सकते, अगर उसका डिज़ास्टर होना है तो होने दो, एक चीज़ अगर डिस्ट्रॉय होगी तो तभी मैं कुछ नई बना सकूँगा, अगर एक चीज़ डिस्ट्रॉय ही नहीं होगी तो मैं कुछ नई क्रिएटिविटी कर नहीं सकता, अगर मैं नई क्रिएटिविटी कर नहीं सकता तो मैं एंटरप्रेन्योरियल नहीं हूँ और मेरे पास नया आइडिया या नया नहीं आएगा। तो इसलिए उसने बजाय उन आइस आर्ट्स को वो पॉलीथीन बैग्स या किसी कवरिंग की वजह से बारिश से बचा लेता, उसने ना अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि नहीं अगर एक नेचुरल एलिमेंट है आप उसे होने दो। तो उसे हुआ क्या कि उसके तमाम आइस आर्ट्स जो हैं वो तबाह हो गए। तो उसके बाद ये मैं आपको थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, उसके बाद फिर वो एक नए जो है वो आइडिया के लिए जो है वो सर्च कर रहा था और फाइनली उसे एक आइडिया मिला। वो आइडिया ये था कि उसके बाद हम ये केस स्टडी पढ़ेंगे। उसको इस वक्त जो आइडिया मिला है ना वो कुछ ये है कि वहाँ पे जो दरिया है उसको ट्रॉन रिवर उसका नाम है, तो उसके ऊपर ना बर्फ़ जमी रहती है पूरे विंटर में। तो वो कहता है कि क्यों ना इसके ऊपर मैं छोटे छोटे इग्लो, आई थिंक इग्लो ही है ना, हाँ इग्लो ठीक है, ये होते हैं इग्लो अगर आप देखें तो, इनको इग्लोज बोलते हैं ये, ठीक है। तो कहता है कि क्यों मैं उसके ऊपर ना इस तरह के इग्लोज बना लूं, ठीक है, ताकि विंटर में जो टूरिस्ट वगैरह आए हैं तो वो इनमें आकर ठहरें और इसको उस इन मतलब कलेक्शन ऑफ इग्लोज बनेंगे पूरे रिवर के ऊपर, ठीक है, और विंटर में जो टूरिस्ट आएंगे उनको एक बड़ी अट्रैक्शन होगी। कहता है इसके अंदर हम उनको मुकम्मल सर्व करेंगे, ठीक है, तो वो आइस के ऊपर आके मतलब सोएंगे और एक नया एक्सपीरियंस उनके पास आएगा, तो इससे बड़ी अट्रैक्शन होगी। तो बाकी इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये एक फ्लोटिंग मेरा आइस होटल होगा जो कि हर विंटर में नई नई जगह पर बने, क्योंकि समर में जब भी मेल्ट होना है दरिया तो उसके ये पूरा आइस होटल भी साथ जाना है, और विंटर में ये नई नई जगह पर बनेगा। तो ये एक उसका नया एक विजन एक उसका नया आइडिया था, तो इसके ऊपर जो है वो काम जो है उसने स्टार्ट किया। तो स्टिल जो है वो काफ़ी मतलब जब उसका जब उसके ना आइस वो आइस आर्ट्स जब उसके जो है वो मेल्ट हो गए थे ख़राब हो गए, तो उसके बाद वो काफ़ी और आइडियाज़ की तरफ सोच रहा था जिसके ऊपर वो वर्क कर सके, जिनमें से एक आइडिया जो है वो ये भी है कि अगर वो कोई बार वगैरह और इस तरह का बना ले। तो अब हम जो है वो ज़रा स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी को। कहता है नील्स जो है उसने अपना फ़ोन जो है बड़ी फ्रस्ट्रेशन के अंदर उसने अपना फ़ोन जो है वापस रखा। हुआ यह है कि तकरीबन वो चौथी दफ़ा एक साहब थे कार्ट नेकेंडर उनको वो कॉल कर रहा था लेकिन उसको कॉल हो नहीं रही थी। वो जो बंदा है वो बेसिकली वोडका का मार्केटर था, वोडका जो हमारे पास अल्कोहल होती है ना वोडका, ठीक है, तो वो बेसिकली वोडका का जो है डीलर था और नील्स उसको कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रहा था लेकिन इसका उससे कॉन्टैक्ट हो नहीं रहा था। बेसिक आइडिया जो है वो एक पार्टनरशिप का, कोई भी मतलब लिकोर कंपनी यानी कि अल्कोहलिक कंपनी से पार्टनरशिप का जो उसका आइडिया उसके जहन में आया ना वो एक आइस आर्टिस्ट से उसको मिला। उस आइस आर्टिस्ट का जो फादर था ना, जो उसका बाप था, उसका नाम, वो एक कंपनी चलाता था जिसका नाम था जॉनी वॉल्कर स्कॉच विस्की, ठीक है। मतलब कि इसके जहन में अब एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक लिक्वर कंपनी जो है वो स्टार्ट करूं, यहाँ पर एक अल्कोहलिक ड्रिंक यहाँ पर स्टार्ट करूं, ठीक है। और ये आइडिया उसके जहन में, नील्स के जहन में एक आर्टिस्ट से आया जिसका जो उस आर्टिस्ट का जो बाप था ना वो एक कंपनी चलाता था जिसका नाम था जॉनी वॉल्कर स्कॉच विस्की, ठीक है। और इस काम के लिए जो नील्स है ना वो
ट्राई कर रहा था जो वोडका का मार्केटर था उससे कॉन्टैक्ट करने के लिए, ताकि वो उसके साथ कुछ डीलिंग करे, कुछ पार्टनरशिप करके उसके बाद वो इस काम को जो है वो ब्लैक एंड वाइट में मतलब फॉर्मली स्टार्ट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने चौथी दफ़ा उसको कॉल किया लेकिन उसको कॉल मिल नहीं रही। तो ये जो कंपनी थी ना, जॉनी वॉकर स्कॉच कंपनी, ये बेसिकली एक ना, ये जितने भी अल्कोहलिक ड्रग्स हैं या अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं इनकी एक सोसाइटी है, इनका एक पोर्टफोलियो है, उसका नाम है डियागो। ठीक है, डियागो एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर ये जितने भी अल्कोहलिक चीज बनाते हैं ना ड्रिंक्स, वो तमाम कंपनीज इस सोसाइटी से रजिस्टर्ड होती हैं। वो ये कहता है कि ये जो कंपनी थी ना, जॉनी वॉकर स्कॉच विस्की, ये बेसिकली डियागो इंटरनेशनल के साथ इसका कोलेबोरेशन थी या ये उसके अंडर काम करती थी, और ये बहुत सी स्पिरिट्स भी एक अल्कोहल का नाम है, वाइन और बियर वगैरह जो है वो बनाते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द जो जॉनी वॉकर स्कॉच विस्की जो कंपनी है, इसको डियागो से निकाल दिया गया क्योंकि वो इतना ना सीरियसनेस नहीं थी। तो एनी ऑफ, इस पहले आर्टिकल में ये बताने की ट्राई की गया कि देखो, जब नेल्स का एक बिजनेस ठप हो गया, वो आइस आर्टिकल्स वाला, तो वो रुका नहीं, वो उसके बाद उसने ना और बहुत से आइडियाज़ की तरफ उसने देखना और स्ट्रगल करनी शुरू कर दी, जिसमें से एक आइडिया उसका यह भी था कि अगर मैं कोई ना लिक्वर कंपनी मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक की कोई कंपनी वगैरह जो है वो स्टार्ट कर लूँ। और इसके लिए उसने उसके मार्केटर से भी कॉन्टैक्ट करने की ट्राई की, बट इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट कि उसका उससे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेट इसलिए कि उसका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो वो कंपनी खोल नहीं पाया, और फॉर्चुनेट इसलिए कि जब उसका उससे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो उसको कुछ नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देखने का मौका मिला। तो वही बात वो नीचे कहता है, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू टेक रिजेक्शन विदाउट बिटरनेस। कहता है यहाँ पे क्योंकि मेरा ये पिछला आइडिया भी रिजेक्ट हो गया था, अब ये आइडिया भी रिजेक्ट ही हो गया अल्कोहलिक कंपनी वाला, क्योंकि उसका डीलर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। तो कहता है इसकी जो रिजेक्शन वगैरह जो है ना, बड़ी बिटर, बड़ा मतलब इसकी बिटरनेस जो है, इसकी सिवियरिटी जो है वो बड़ी फील हो रही थी। नेक्स्ट में वो कहता है, नील्स ट्राइड टू फाइट इट बाय टेलिंग हिमसेल्फ दैट एस्थेटिकली कल्चरली एंड पर्सनली इट वाज एब्सोल्यूट दैट द ही रियली वांटेड दैट ही रियली वांटेड ऑन बोर्ड। ठीक है, तो नील्स जो है वो खुद को इस टाइम जो है वो अपने आप से बात कर रहा है, वो अपने आप को बता रहा है कि एस्थेटिकली कल्चरली और पर्सनली, ठीक है, यही उसका काम है, एंटरप्रेन्योरशिप ही इसका काम है, कुछ नया एक्सप्लोर करना ही इसका काम है। क्योंकि एक्चुअली वो तो उसका फैमिली बिजनेस तो बोर्ड्स पे था, ठीक है, तो वो ऑन बोर्ड तो वो जाना ही नहीं चाह रहा। ऑन बोर्ड का मतलब होता है ऑन सेलिंग, मतलब ऑन बोर्ड्स, ठीक है, ऑन बोर्ड आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, और ओनरशिप एयरक्राफ्ट और अदर व्हीकल, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो अपने आप को ना, जब उसका पहले दो आइडिया रिजेक्ट होते हैं तो नो डाउट रिजेक्शन बड़ी फील होती है कि मैंने इतना कुछ सोचा था हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर नील्स खुद को समझा रहा है कि भाई एस्थेटिकली कल्चरली और पर्सनली मेरा टेस्ट ही है कि मैंने कोई बिजनेस करना है, मैं शिप वगैरह पर तो जा नहीं सकता, वो तो मेरे सोच में भी नहीं है। तो इसके बाद अब इसके जहन में वो नया आइडिया आना शुरू करता है, और अब उसकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होती है जो कि एक्चुअली आइस होटल है। कहता टू शेक ऑफ इज डिसअपॉइंटमेंट, अपने डिसअपॉइंटमेंट को खत्म करने के लिए ही वॉक टुवर्ड द न्यू आइस होटल टेकिंग शेप अलोंग द बिलव्ड ट्रॉन रिवर। ठीक है, तो इस तमाम आइडियाज जब रिजेक्ट हुए तो उसके बाद उसके जहन में एक आइडिया आया आइस होटल का, उसके ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। तो उसकी डिस्क्रिप्शन बाद में, पहले थोड़ा सा बस सीन बना रहा है। वो कहता है ट्रॉन रिवर के ऊपर उसका आइस होटल बन रहा था, तो वो उसको जाकर उसने ना जो है वो ऑब्जर्व करना जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन अभी अभी उसके जहन में आइडिया आ रहा है, ठीक है, मतलब अभी वहाँ पर आइस होटल बना नहीं है, अभी उसके जहन में बस एक आइडिया आ रहा है, वो शेप ले रहा है आइडिया उसके जहन में कि स्ट्रॉन्ग रिवर के ऊपर मैं एक आइस होटल बनाऊंगा। तो पहले वो जब ऑब्जर्वेशन करता है, वो कहता था आर्टिक एयर आउटसाइड वाज 25 डिग्री। आर्टिक जो है ना, ये बेसिकली एक ये जो अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका नहीं यार, हाँ आर्टिक जो है ये बेसिकली एक एरिया है वहीं पे स्वीडन का ही, यहाँ पे ये सारा जो है आइस है। तो वही ये कहता है कि वहाँ पर जो आर्टिक की जो एयर थी आउटसाइड, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब उसका था। तो कहता है जब मैं अगर होटल बना लूँ तो मैं उसका इनर, अगर मेरा एक आइस होटल बनता है तो उसके अंदर जो टेम्परेचर होगा तकरीबन कॉन्स्टेंट 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक था।
ठीक है। तो उसके बाद जो नेल्स है, यहाँ पर नेल्स का सेकंड नेम लिखा हुआ है बर्क्वेस्ट, तो मैं तो इसको नेल्स ही पढ़ रहा हूँ। नेल्स ने अपने जहन के अंदर ये जो आइस होटल का जो उसके जहन में आइडिया आया था, इसको उसने फिर फॉर्मुलेट वगैरह किया, फिर इसके ऊपर सोचा, इसके ऊपर उसने एनालिसिस किया, ठीक है, और इसको उसने एज अ विजन लिया। तो सबसे पहले उसने अपना एक विजन बनाया कि ये मेरे पास एक ट्रॉन रिवर है जो कि जमा हुआ है, इसके ऊपर मैं एक आइस होटल बनाऊंगा। आइस होटल क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में डिस्क्राइब कर दिया कि उसने इग्लोज बनाने हैं, मतलब तो छोटे छोटे अपार्टमेंट, छोटे छोटे जो कि बर्फ़ के ऊपर जो है वो बनते हैं, कुछ इस तरह के, ठीक है। तो उसके बाद और वो तमाम इग्लोज मिलके वो एक आइस आइस होटल उस पूरे को एक वो नाम देगा। तो इसको उसने एज अ विजन लिया, अभी तक इसके ऊपर काम नहीं स्टार्ट किया, इसके ऊपर अभी वो सिर्फ थिंकिंग कर रहा है। तो इसको वो कहता है कि द एंटायर होटल इज अ लोन फ्रॉम द माइटी ट्रॉन रिवर एंड इज प्लेस्ड वेयर द टाइम स्टैंड स्टिल। इस ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है कि ये जितना भी होटल है ना, ये बेसिकली ट्रॉन रिवर के सहारे है। लोन का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये पूरा होटल जो है ये डिपेंड कर रहा होगा ट्रॉन रिवर पे। क्यों? क्योंकि देखो रिवर जमा हुआ है, आप उसके ऊपर अपना होटल बना रहे हो। जब गर्मियों में वहाँ वो रिवर पिघलेगा, ठीक है, वो रिवर ख़त्म होगा, ठीक है, तो आपका साथ साथ आपका होटल भी ख़त्म हो जाना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर वो सिर्फ विंटर के लिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहा है, तो ये टाइमली बेस्ड उसका ना ये आइस होटल होगा जो कि टोटली जो डिपेंडेंट होगा उस ट्रॉन रिवर पे। उस रिवर ने जब सर्दियों में जमना है तो उसके ऊपर जो है वो अपने इग्लोज बना के वो एक अपना बिजनेस कर रहा है, और जब गर्मियों में उसने पिघलना है तो उसके अंदर फिर उसने अपनी बोटिंग करनी है। तो बेसिकली क्या उसने ज़बरदस्त आइडिया लिया जिसमें वो सर्दी और गर्मी दोनों में अपने उस रिवर को यूटिलाइज कर रहा है। तो वो कहता है जस्ट अ शॉर्ट पीरियड बिफोर, अभी यहाँ पर वो ना गर्मियों का जो है वो बता रहा है, जस्ट अ शॉर्ट पीरियड बिफोर, इस टाइम विंटर है तो वो समर का बता रहा है कि वो फिश स्वैम इन द वाटर, कहता है इस पानी में फिश तैरती थी, ठीक है, यहाँ पर जो है वो पानी की टोरेंट का मतलब है लहर, कहता है पानी की यहाँ पर लहर बनती थी जिसके ऊपर ना फ्लोटिंग वगैरह हो रही होती थी, ठीक है। तो वही कहता है कि जब स्प्रिंग आएगा और उसके बाद दोबारा समर आएगा, ठीक है, तो यही होगा कि मेरा जो होटल इसके ऊपर जो बना हुआ है आइस होटल, वो दोबारा सब कुछ जो है वो अगेन पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही वहाँ पर ना इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ उसके जहन में फार्मूलेशंस आ रही हैं, मतलब जिसमें वो ये सोच रहा है कि देखो सर्दियों में मैं यहाँ पर होटल बनाऊंगा, ठीक है, जो कि टोटली सिर्फ सर्दियों तक रहेगा, जो जो ही गर्मियाँ आएंगी तो ये सारा होटल भी जो है वो पानी के साथ जो है ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब विंटर आएगा तो मैं दोबारा इग्लोज बनाऊंगा और नई नई जगह पर बनाऊंगा, तो इस तरह एक लोगों में क्रेज़ आएगा और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये बेसिकली उसने अपना सारा आइडिया उसने जो है वो यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया है। मैंने एक्चुअली यहाँ पर ना कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अगर आपको चाहिए तो बेशक ये डॉक्यूमेंट ले लेना, ठीक है। अब वो ये ना बेसिकली वो ये जो दो पैराग्राफ्स है ना, इस टाइम वो सेल्फ टॉक कर रहा है, अपने आप से जहन में कह रहा है, ठीक है। उसके अलावा वो फिर ये भी कहता है कि देखो मैं इग्लोज बनाऊंगा, वहाँ पर हमारे पास गेस्ट आएंगे, टूअर्स आएंगे, ठीक है, तो स्नो का बेड होगा, मतलब वो बर्फ पर ही सोएंगे, लेकिन उनको हम रेनडियर स्किन, रेनडियर जो होता है ये एक बर्फानी हिरन को कहते हैं रेनडियर, तो उसकी स्किन की बने हुए ना उनको हम लिहाफ वगैरह देंगे, ठीक है, और रोज़ाना सुबह उनको ये एक लिंगन बेरी, ये एक बेरी ही की एक किस्सा में कहते हैं, उसके जूस से रोज़ाना उनको जो है वो वेलकम किया जाएगा। तो कितना एक अच्छा, मतलब एक बड़ा चार्म सा जो है उसके जहन में आ रहा है कि भाई देखो गर्मियों में उसी रिवर के अंदर मैं बोटिंग कर रहा हूँ, उसी के अंदर मछलियाँ वगैरह तार रही हैं, तैर रही हैं, ठीक है, पानी का टोरेंट बन रहा है, मतलब पानी की लहरें बन रही हैं, सर्दियों में जब वो जम जाएगा उसी के ऊपर अब मेरा इसी रिवर के सहारे ही मेरा होटल बनना है, मतलब जब तक रिवर जमा रहा होटल चलता रहा, ठीक है, लोग इसमें आएंगे, ठीक है, उनको मैं हिरन रेनडियर स्किन्स का उनको मैं लिहाफ दूंगा, वो बर्फ़ के ऊपर ही सोएंगे, मतलब बर्फ़ का ही बेड होगा और वो स्किन रेनडियर स्किन का लिहाफ होगा जिसमें को ओढ़ के वो सोएंगे, और रोज़ाना सुबह हम उनको लिनन जो बेरी जूस है उसे हमको वेलकम करेंगे। तो एक बड़ा वो रोमांटिक सा जो है सारा सीन वो अपने जहन में क्रिएट कर रहा है। तो वो कहता है नील्स ने जो है अभी अभी ये सब कुछ उसके जहन में चल रहा है, अब वो ये सोचना शुरू कर देता है कि क्या इसको मार्केट में लाना, क्या इसको मार्केट करना जो है वो मुश्किल होगा या आसान,
ठीक है, तो वो ये कहता है कि he had only recently come up with the name of ice hotel, ठीक है, कहता है ये जो नेम था ना आइस होटल का, ये रिसेंटली ही इसके जेन में आया है, ठीक है, जब वो एक इसके जेन में ये विजन जो है ये तो बहुत पहले का था, ठीक है, विजन यहाँ पे उसका बन गया है, यहाँ पर आपको बताया ना कि उसके जेन में एक विजन यहीं पे बन जाता है, लेकिन अभी तक उसके जेन में नाम नहीं आया, ठीक है, वो अपना जो विजन है ना वो एक जर्नलिस्ट को डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है, ये देखें यहाँ पर है, वो अपने विजन एक जर्नलिस्ट को डिस्क्राइब कर रहा था, तब बातों ही बातों में उसके जेन में ये नाम आ गया आइस होटल का, ठीक है, तो ये जो विजन उसके, अब बात यह है कि ये विजन उसके जेन में कैसे आया कि मैंने एक आइस होटल बनाया, वो कहता है कुछ लोग जो हैं उन्होंने एक एक मिनट यार पानी देना, अच्छा तो होता क्या है कि वो यहाँ पर ना, मतलब बात यह है कि आइस होटल का नाम उसके जहन में कैसे आता है, वो ना एक जर्नलिस्ट से मिलता है, वो जर्नलिस्ट उसको बताता है कि कुछ लोग जो हैं वो जैकोस जैरवी, मतलब जो इसका सिटी है, ठीक है, 200 किलोमीटर इनसाइड द आर्कटिक सर्कल, मतलब जहाँ पर ये रह रहा है, आर्कटिक सर्कल मतलब ये पूरा आर्कटिक है ना, मतलब सारी बर्फ है, तो इसका कहीं 200 किलोमीटर इनसाइड कहीं जाकर ना कुछ जो है वो लोग थे, वो उन्होंने वो एक इग्लो में रहे थे, ठीक है, तो जब इस नेल्स ने ये बात सुनी ना, तो तब से इसके जहन में ये विजन आ गया कि मैं इस तरह का मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ, तो यही चीज़ उसने ना, जब वो जर्नलिस्ट को अपना, मतलब जर्नलिस्ट ने उसको ये बात बताई, ठीक है, और ये बात जो है वो अचानक स्पार्क कर गई उसके जहन में कि हाँ इस चीज़ को तो मैं बना सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस बना सकता हूँ, फिर उसने जर्नलिस्ट को अपना विजन बता दिया कि हाँ मैं भी ऐसा चाहता हूँ, मैं इस तरह का बिजनेस बनाना चाहता हूँ, और मैं उसका नेम क्या रखूँगा, आइस होटल, तो उसी टाइम उसके जहन में ये नेम भी आ गया आइस होटल, तो वही बात वो कह रहा है कि जब मेरे जहन में ये, जब मुझे उस जर्नलिस्ट बता रहा था ना कि इस तरह से तू 200 किलोमीटर दूर कुछ लोग हैं उन्होंने एक इग्लू में रहा, तो कहता वही चीज़ मेरे जहन में ना स्पार्क कर गई, या इट्स लाइक अ होटल, आइस होटल, तो कहता उस टाइम मेरे जहन में आएगा हाँ मैं इसे एक होटल बना सकता हूँ और इसका नाम मैं आइस होटल रखूँगा, तो यहाँ से वो मेन बता रहा है कि इस तरह मेरे जहन में ये आइडिया आया, क्लियर हो गया, तो यहाँ पर वो कहता है देर वॉज समथिंग पावरफुल इन द नेम, तो इस नेम में कुछ ना कुछ पावरफुल था, ठीक है, वो कहता है कुछ मंथ्स पहले, ठीक है, कुछ कहता है ये जो नेम, ये जो आइडिया, ये जो कुछ भी जहन में आया था इसमें बहुत कुछ पावरफुल और बहुत ही उसको ना प्राउड और बहुत ही स्ट्रेंथ उसको जो है इस चीज़ से मिली, क्योंकि कुछ मंथ पहले उसके जहन में इवन इमेजिन ही नहीं था, इवन आइडिया नहीं था कि इस तरह का कोई काम वो करेगा और इसका नाम आइस होटल होगा, या वो अपनी लाइफ के अंदर कभी भी आइस होटल वगैरह स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो अभी भी वो उसके जहन में वही चल रहा है, वो कहता है ही रिमेंबर द फर्स्ट आइस स्कल्पचर वर्कशॉप, तो वही जो हमने पिछले केस स्टडी में देखे कि उसने पहले क्या है, उसने मतलब समर के लिए तो काम कर रहा था, विंटर के लिए उसने सबसे पहले काम क्या किया, आइस आर्ट्स, ठीक है, वो कहता है कि मेरे जहन में तो अभी भी वही आ रहा है कि मैंने फर्स्ट अपना आइस आर्ट्स के लिए एक वर्कशॉप कायम की, ठीक है, और वहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट ने आके जो है वो ईगल के और उसके डेयर के जो है उन्होंने आर्ट्स वगैरह बनाए, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो सारा काम कहता है कि वो जो वीकेंड जो है वो बड़ा अच्छा गया, ठीक है, बहुत से लोगों ने आकर उसको एंजॉय किया, फोटोग्राफी की, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मंडे को जो है वहाँ पर बारिश आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से उसका तमाम जो वो आइस आर्ट थे वो उसकी आंखों के सामने तबाह बर्बाद हो गए, ठीक हो गया, और उस वक्त उसने ये रिकॉल किया, उस वक्त उसने ये चीज़ ठीक है, मतलब उस टाइम उसके जहन में ये चीज़ आई कि इस टाइम उसके उस टाइम उसके उसके जहन में ये चीज़ आई कि हम मेरे हमारी एफर्ट जो है वो हमारी आंखों के सामने जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है, तो हम इसको क्यों नहीं बचा रहे, तो उसके रीज़न उसने, क्योंकि ये लास्ट में उसने कोट किया, वो कहता है वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व समथिंग दैट बिलोंग्स टू नेचर, ठीक है, वो कहता है कि हम एक ऐसी चीज़ को कैसे बचाएं जो कि नेचर से बिलोंग करती है, ठीक है, तो लेट इट बी डिस्ट्रॉयड एंड मेक समथिंग न्यू, तो इस सोच के साथ उसने उस चीज़ को डिस्ट्रॉय होने दिया, देखो इवेंचुअली वो उसे बचा तो सकता था ना, लेकिन इंटेंशनली नहीं बचाया, और क्यों नहीं बचाया वो स्टेटमेंट ये है,
ठीक है, वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व समथिंग दैट बिलोंग्स टू नेचर, हम एक ऐसी चीज़ को बचा रहे हैं जो कि इवेंचुअली नेचर से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जो चीज़ नेचुरल है उसे नेचुरल अक्कर होने दो, वो डिस्ट्रॉय होती है, हो जाए, मैं कुछ नया नया करूँगा। तो एक्चुअली उसी सोच, वही सोच वजह बनी इसके आइस होटल की, क्योंकि अगर वो उन्हीं आइस आर्ट्स के ऊपर ही रहता तो ये आइस होटल का आइडिया तो उसके जहन में आना ही नहीं था, ठीक है। तो वो यही बात यहाँ पर कोट कर रहा है कि ये जो आइस होटल का आइडिया ये मेरी लाइफ में कभी आया नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कोई काम करूँगा, ठीक है। और मतलब मैं अपनी लाइफ में आइस होटल, मैं तो आज से पहले मैंने अपना जो काम स्टार्ट किया, मैंने आइस आर्टिकल्स या आइस आर्ट्स वगैरह के ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया, ठीक है। और जब बारिश आई वो सब कुछ बर्बाद हो गया, और मैंने इंटेंशनली उसको ये नहीं, इस सोच की वजह से नहीं बचाया कि ये काम नेचुरल है, नेचुरल डिज़ास्टर है, होने दो, अगर ये ख़त्म होगा तो ही मैं कुछ नया कर पाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोच जो है ये मेन एक एंटरप्रेन्योरियल सोच थी, और इसी सोच यही सोच जो है ये वजह बनी और ये बेस बनी उसके आइस होटल की, ठीक है, जो कि अब बनने जा रहा है। तो यही कहता है द स्पिरिट ऑफ द आइस होटल वॉज बोर्न दैट डे, कहता उस दिन जब बारिश में मेरे सामने मेरे तमाम आइस आर्ट्स, ठीक है, मेरा तमाम वो एक एफर्ट जो है वो बर्बाद हो रही थी, तभी मेरे जहन में जो है मेरे अंदर एक नई चाह पैदा हुई नया काम करने की, उस दिन से मैं नया काम ढूंढना शुरू कर दिया और इवेंचुअली आइस होटल जो है वो मेरे जहन में आ गया। Although this name was yet to emerge instead of, अच्छा अब वो कहता है कि जी इसका नेम मैंने आयुष होटल क्यों रखा, कहता है मैंने जो वो एरिया जिसके अंदर वो रह रहा है उस पूरे एरिया को कहते हैं आर्कटिक, कहता है मैंने जो आर्कटिक का एसेट क्या है, बर्फ, तो मैंने बेसिकली उसी बर्फ उसका जो एसेट है उसी को मैंने क्रेडिबिलिटी दी, और मैंने क्योंकि वो आइस थी मैंने उसका नाम भी आइस होटल रख दिया। ये नहीं किया कि जैसे वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि जी आइस को, मैंने पॉजिटिविटी को देखा, ठीक है, कहता ये नहीं कि जैसे कि वहाँ के लोकल लोगों ने स्टार्ट में मुझे कहा था कि इट्स टू कोल्ड टू, ठीक है, वहाँ के लोगों ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जी कोल्ड है, बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है, कहता बजाय इसके कि मैं इसका नाम कुछ, मैं इसको किसी डिसएडवांटेजेस वगैरह से मैं इसको रिजेंबल करता, ठीक है, मैंने इसका नाम आइस होटल रखा क्योंकि आइस जो है वो बेसिकली ट्रेडमार्क है या आइस जो है वो निशानी है इस आर्कटिक जो है जहाँ पर वो इस टाइम है या जहाँ का वो रिवर है, या अगर आप दरअसल दरमियान में ये पानी नज़र आ रहा है ना, ये वही आर्कटिक रिवर है जो कि सर्दियों में जम जाता है और गर्मियों में इसके अंदर जो है वो लोग बोटिंग करते हैं। क्लियर हो गया। तो अब कुछ मजीद वो इस आइडिया के बारे में कहता है, वो कहता है 1990 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जैनन डेरिट, ठीक है, उसने एक एग्जीबिशन उसने एक लॉन्च की, ठीक है, और वो एग्जीबिशन कहाँ पर हुई, एक स्पेशली बिल्ट इग्लो, ठीक है, कहता है बर्फ़ के ऊपर एक इग्लो बना हुआ था इस तरह का या इस तरह का, उसके ऊपर जो है उसने एक एग्जीबिशन जो है वो उसने लॉन्च की, और वो इग्लो भी इसी तरह एक फ्रोज़न जो है वो एक जमे हुए दरिया पर था। तो वो कहता है ये एक 60 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग थी उसके अंदर ना, और इस आइडिया को जो विजिटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया, मतलब जब लोगों ने सुना कि यार जमे हुए दरिया के ऊपर एक इग्लो बना है 60 स्क्वायर फीट का, उसके अंदर एग्जीबिशन है, तो लोग खींचे चले आए, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट किया। तो हुआ यह कि इवेंचुअली एक रात ना कुछ फॉरेन गेस्ट थे, ठीक है, उनके पास कुछ रेनडियर की हाइट्स थी, मतलब कि उनके पास, क्योंकि ये बर्फानी इलाका है तो यहाँ पर जो हिरन की खाल है वो सबसे ज़्यादा गर्म, क्योंकि चमड़ा होता है लेदर होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म जो है कंसीडर किया जाता है, तो ये जितने भी अपने लिहाफ होते हैं ना वहाँ के लोग ज़्यादातर रेनडियर के ही यूज़ करते हैं। कहता वहाँ पर कुछ लोग थे उनके पास लिहाफ थे, स्लीपिंग बैग्स भी थे, लेकिन उनके पास जगह नहीं थी, तो उन्होंने ये जो इग्लो एग्जीबिशन के लिए बनाया गया था ना, तो उन्होंने वहाँ से उनसे परमिशन लेके एक रात ना इस इग्लो में गुजारी एज अ अकोमोडेशन, ठीक हो गया। तो उन जब उन्होंने एक रात, मतलब शुरुआत उन्होंने की, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने इस इग्लो के अंदर एक रात गुजारी, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में जब उन्होंने इसकी पिक्चर्स वगैरह इसके फोटोग्राफ भी की, थोड़ा सा पब्लिक किया, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इसे पसंद किया, और नेक्स्ट 3 ईयर्स जो है वो
तो बहुत ज़्यादा जब लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया तो यही चीज़ जो है इसने नेल्स को मजबूर किया कि भाई इसको थोड़ा बिजनेस मिले हो। तो अगले 3 सालों बाद नेल्स, ठीक है, कुछ आर्टिस्ट और कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर, ठीक है, अपने कोलेबोरेशन के साथ बहुत ज़्यादा इग्लोज बनाए और इस पूरे इग्लोज को उन्होंने एक सिंगल नेम दे दिया, उसका नाम है आइस होटल। तो वो यही कहता है कि ये आइडिया उसके जहन में तब आया जब कुछ लोग आके एक इग्लो बना था 1990 में जिसका पर्पस सिर्फ एग्जीबिशन थी, लेकिन कुछ विजिटर्स ने आके वहाँ पर क्याम किया, ठीक है। तो उस चीज़ को, वो जो चीज़ है वो स्पार्क कर गई। और इसके बारे में इसको बताया किसने, इसको यहाँ पर आपको ऊपर है ना एक जर्नलिस्ट इसको बताता है, ये देखें ये जर्नलिस्ट इसको बताता है, और तभी इसके जहन में ये चीज़ स्पार्क कर गई और 3 साल बाद इसने एक आइस होटल ही बना डाला सेम उस जैसा। तो वही कहता है तो ये जो आइस होटल है इसका बड़ा अच्छा ट्रेंड हुआ क्योंकि बहुत से विजिटर जो कि इस जारी को विजिट करते थे उनका एक बहुत अच्छा एनुअल एक्सपीरियंस उनको मिला, बहुत अच्छा उनको लगा इस आइस होटल में आके ठहरने से और इसको विजिट करने से, ठीक है। तो इस तरह जो नेल्स है उसने ये जो एक वेंचर था के रात आप लोग जो है आइस के बेड के ऊपर एक आइस इग्लो में गुजारा, उसने इसको एक बड़े वेंचर, एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज लेवल, मतलब एक मतलब ये तो एक छोटा सा आपके पास एडवेंचर था कि आप इग्लो में एक रात गुजारते हैं, तो उसने पूरे को एक होटल बना के एक बड़ा वेंचर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अपने इस एरिया को, अपने इस, ठीक है, तो ये यहाँ पर ना अभी तक एक्चुअली उसका जो ये बिजनेस जो है ये स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये सारा उसका स्टेप्स बता रहा है कि ऐसे ऐसे मेरे जेन में जो है वो आया। तो ये मेनली जो इसके जेन में जो आइडिया आया था, ठीक है, उसको वो शेयर कुछ इस तरह करता है, मतलब वो कौन कौन से फैक्ट्स थे जिसके बेस के ऊपर उसने ये सोचा कि मैं ये इग्लो बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो डिस्क्राइब किए जा रहे हैं कि ये जो 1990 में एग्जीबिशन हुई उसके 3 साल बाद जो बैंक्वेस्ट ने पूरा ही इग्लोज बेस्ड आइस होटल बना डाला, ठीक है, उसके ग्राउंड लेवल पे फैक्ट्स क्या थे, ठीक है, जो उसने सोचे। यहाँ पर वो कहते थे पिच टू एब्सोल्यूट, मतलब पिच लेवल के ऊपर क्या फैक्ट्स थे। रिटर्निंग टू हिज ऑफिस बैंक्वेस्ट अगेन रिव्यूड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो जो कुछ फैक्ट्स थे, जो जो इसको हम कहते हैं मोटिवेशंस बिहाइंड द सीन, ये सब करने के पीछे मोटिवेशंस क्या थे, जरा वो सुनते हैं। वो कहते हैं द कोल्ड डार्क लॉन्ग नाइट्स ऑफ जुकास जारवी, तो ये जो कोल्ड लॉन्ग जो नाइट्स थी जुकास जारवी की, तो ये एक बड़ा रिफ्रेशमेंट हो सकती है। उसके अलावा वो कहता है द प्रिस्टाइन आइस फ्रॉम द ट्रॉन रिवर, प्रिस्टाइन का मतलब है क्लीन एंड फ्रेश एज इफ न्यू, कहता है जो ट्रॉन रिवर के ऊपर जो एक बिल्कुल ताज़ा सी बर्फ जमी हुई है बिल्कुल क्लीन सी, तो वो एक बड़ी अट्रैक्शन हो सकती है। उसको कहता है आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड स्कल्पटिंग अगेंस्ट द, अच्छा वो कहता है कि देखें पूरी दुनिया से लोग आते हैं, आते किस लिए हैं कि ये जो सभी बर्फानी इलाका होता है वहाँ पर कुछ रात को ना जो एक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर आप ये देखें तो वहाँ पर आसमान के अंदर ना कुछ लाइटिंग सा इफेक्ट आता है, ये जितने भी आर्कटिक एरिया या अंटार्कटिक के एरियाज हैं वहाँ पर ये चीज़ नेचुरल है। तो कहते हैं बहुत से लोग जो हैं वो आते हैं, ठीक है, और ये इफेक्ट क्योंकि रात को होता है, रात को उनको ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए तो बेहतर नहीं उनको हम एक इग्लो दे दें, तो वहाँ से वो ना रात को वहाँ पर ठहर भी सकते हैं और ये जो लाइटनिंग जो रात रात को आसमान में होती है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। द मिक्स ऑफ क्यूरियस एंड रोमांटिक एडवेंचर्स हु केम टू एक्सपीरियंस द आर्कटिक, वही बात है कि जो लोग इन जगहों को, ये आर्कटिक जो है उसको विजिट करने आए हैं उनको आप एक क्यूरियस और रोमांटिक एडवेंचर दे सकते हैं। उसके अलावा वो कहता है द एक्सपीरियंस ऑफ स्लीपिंग इन अ सस्पिशियस इग्लो गेस्ट रूम, तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि आप एक इग्लो गेस्ट रूम के अंदर जो है वो मतलब रात गुजार रहे हैं। उसके अलावा कहता है कि वहाँ पर साथ ही एक एडजेसेंट, वहाँ पर कहता है साथ ही एक आइस चर्च है, तो वहाँ पर जो लोग शादी करते हैं, जो कपल शादी करते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर रात गुजार सकते हैं। उसके अलावा कहता है कि एक और इसमें जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट था जो कि बड़ा चार्म लगता है कि ये होटल जो है ये हर समर में मेल्ट होगा, ठीक है, और हर विंटर में नई जगह पर नया बनेगा, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि जी जो भी हमारे पास गेस्ट आएंगे, ठीक है, हम उनको
आइस मेड ग्लासेस के अंदर जो है वो कॉकटेल, कॉकटेल जो है अल्कोहलिक ड्रिंक को कहते हैं। तो ये भी कहता है एक बड़ा शशका हो जाएगा कि जो अभी गेस्ट आएंगे हम उनको आइस मेड ग्लासेस के अंदर जो है ये कॉकटेल जो है वो सर्व करेंगे। तो ये वो कहता है हेयर हैव अ ड्रिंक इन योर आइस, नॉट आइस इन योर ड्रिंक। तो ये बेसिकली इसी को कह रहा है कि जब हम उनको आइस मेड ग्लासेस में कॉकटेल सर्व करेंगे तो हम उनको कहेंगे हेयर हैव अ ड्रिंक इन योर आइस, नॉट आइस इन योर ड्रिंक। क्लियर हो गया? तो ये तमाम जो है ये मोटिवेशंस बिहाइंड द सीन थी दूसरा उसके आइस होटल की। तो मेनली आप शायद यहाँ पर कंफ्यूज हो, यहाँ पर ना पास्ट और प्रेजेंट को बेसिकली मिलके चलाया जा रहा है। सबसे पहले जो है वो बताते हैं कि वो एक आइस बार खोलना, एक आइस बार नहीं सॉरी अल्कोहलिक एक कंपनी खोलना चाह रहा था उसका बताते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि वो नहीं उसको मिलती, तो फिर उसका कैसे कैसे जर्नलिस्ट से उसकी बात होती है, तो वो वहाँ से उसको एक आइडिया मिलता है। उस आइडिए के 3 साल बाद आइस होटल बन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे स्टार्ट हो जाता है कि भाई आइस होटल के पीछे मोटिवेशंस क्या थी, तो वो तमाम मोटिवेशंस हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की। और इन मोटिवेशंस के साथ साथ उस अभी ये मोटिवेशंस हैं जो उसके जहन में आ रही हैं, ठीक है। जब उसके जहन में ये मोटिवेशंस आ रही थी तो उस टाइम उसके जहन में कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे। वो क्वेश्चंस क्या हैं अब चलो उसको देख लेते हैं। कहते हैं उसके जहन में ना नील्स के जहन में कुछ पॉसिबल रिएक्शन मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो कहता है पहले उसके जहन में क्वेश्चन आता है एब्सोल्युटली अननेसेसरी, मतलब कि अगर मैं ये बना लूँगा, नील सोचता है कहता अगर ये मैं बना लूँगा तो क्या क्या अननेसेसरी नहीं हो जाएगा, मतलब मे भी लोग जो हैं उनके पास एक अच्छे होटल्स हैं, ठीक है, जो कि प्रॉपर होटल्स हैं, आइस मेड्स नहीं है, तो मे भी लोग उधर जाएं इधर आए ना, तो ये चीज़ थोड़ी सी अननेसेसरीली की तरफ चली जाए। तो इसका वो खुद ही वो अपने जहन में आइडिया देता है कि नो डाउट ये अननेसेसरी तो है, लेकिन जो ब्यूटी है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट दैट्स द ब्यूटी रादर अनएक्सपेक्टेड। मतलब कहने का वो चाह रहा है कि नो डाउट ये अननेसेसरी है, ठीक है, लेकिन मैं इसको अनयूजुअल बना रहा हूँ, यूजुअल से हट के बना रहा हूँ और थोड़ा ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जब लोग ब्यूटी की तरफ आएंगे तो लोग इसको यूज़ करेंगे। फिर उसके जहन में एक क्वेश्चन आता है हाईली प्रॉफिटेबल, हाँ डेफिनेटली हाईली प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जब विजिटर्स ने विजिटर्स को पहले तो उनको पास फॉर्मल होटल्स हैं, ठीक है, उसकी बजाय ये एक उनको आपने अनयूजुअल चीज़ दी है कि वो आइस के बने हुए जो इग्लोज हैं उनमें आकर ठहरें, तो डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा आएंगे तो आपको प्रॉफिट होगी। उसका और कहता है व्हाट डिड अब्सोल्यूट हैव टू लूज बाय गेटिंग इन्वॉल्व, मतलब कि इसको बनाने में मुझे क्या कुछ ज़ाया करना पड़ेगा। तो क्या इसका ये जो थोड़ी सी लाइन है ये थोड़ी कम्प्लेक्स लिखी हुई, लेकिन इसका मेन शॉर्ट ये है कि वो कहता है कि मेरी कंपनी को इसमें कुछ भी जो है वो मेरा ज़ाया नहीं होगा, एक नया आइडिया एक नया चीज़ मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इसके बाद मैं ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन चीज़ ये है कि अभी तक तो मैं एक नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया मिले। तो डेफिनेटली जब मेरे पास एक आइडिया आ गया आइस होटल का, सो आई विल लेफ्ट वॉन्डरिंग वट टू डू नेक्स्ट। तो मैं जो अभी तक इस कश्मकश में हूँ कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ, मेरी वो कश्मकश ख़त्म हो जाएगी, अब मैं अपना आइस होटल की तरफ जो है वो स्टार्ट हो जाऊँगा। तो ये ओवरऑल इस पूरे आइस होटल वाला जो है इसकी समरी है, उम्मीद है कि क्लियर होगी।